साइंस वेन यू सिट स्ट्रेट एवरीथिंग गोज स्ट्रेट इन टू योर हेड अगर आप सो के पढ़ते हो तो इतना इमिजिएटली पढ़ाई इफेक्टिव नहीं रहता तो जब घर पे आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि सीधे बैठ के पढ़ो सीधे बैठ के पढ़ो इट इज वेरी मच साइंटिफिक एंड इट इज वेरी मच लॉजिकल ओके सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स तो आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है आज के लेक्चर में हम जो भी पढ़ेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा ठीक है हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई है हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ गया है एंड मैथ्स uh, के लिए हमने क्या डिसाइड किया था हम क्या बोलेंगे मैथ्स आता नहीं हमने और एक भी कुछ बोला था हाँ हमारी कॉग्नेटिव स्किल्स बहुत अच्छी है क्या है हमारी कॉग्नेटिव स्किल्स बहुत अच्छी है ठीक है वी लाइक मैथ्स वी लाइक ऑल सब्जेक्ट्स अगर आप बिलीव करोगे तो होगा तुम बिलीव ही नहीं करना चाहोगे तो होगा ही नहीं तुम ऐसे बिलीव करोगे तो होने वाली है ना बात आप बिलीव नहीं करोगे तो कैसे होगा ठीक है यस yes, चलो वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन के टॉपिक पे है हम लोग और मैंने कल सिखाए थे पांच नेटवर्क्स तो मैं वो कल वाली फाइल ओपन करती हूँ एक बार नेटवर्क्स रिकैप कराती हूँ फिर कैरेक्टरिस्टिक्स और फिर मुझे क्या पढ़ाना है आपको बैरियर्स फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बैरियर्स और फिर आई थिंक कम्युनिकेशन का चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा तो आई थिंक कल आई शुड बी एबल टू फिनिश द चैप्टर ऑफ कम्युनिकेशन वॉज इट डिफिकल्ट आई थिंक आपको लगभग क्लास का क्लास में लर्न हो हो गया है ठीक है वेरी गुड अब मैं आपको सिर्फ क्या दिखाऊंगी बेटा तुम्हारा लेकिन अटेंडेंस बहुत कम है यार फेस टू फेस वालों का इंग्लिश है इसलिए या पहला क्लास है इसलिए या दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट है पहला क्लास इंग्लिश है इसलिए मैम नहीं <laughs> okay. यहां पे देखते हैं नेटवर्क के बारे में नेटवर्क के बारे में यस yes. ये क्या है ओके, okay. क्या हो गया तुमको ओके okay. नेटवर्क चल मैं नेटवर्क एक बार रिकैप करा देती हूं तो आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा चलेगा देखो नेटवर्क इज अ पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट अ ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज वॉट इज नेटवर्क पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट अ ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज करेक्ट फॉर कम्युनिकेशन उसमें पहला नेटवर्क क्या था हमारा वर्टिकल नेटवर्क पहला नाम ही नेटवर्क का वर्टिकल है यस सो वर्टिकल नेटवर्क फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल करेक्ट इसमें इमिजिएट फीडबैक आ जाता है सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग इट्स अ हाई एंड लोअर लेवल बट द नेक्स्ट वन इज अ सर्किट एक सर्किट कम्प्लीट हो गया ए एंड बी आर एट द सेम लेवल बट हमने एक डायग्राम उसका कम्प्लीट कर दिया ए सेंडिंग मैसेज टू बी बी सेंडिंग फीडबैक टू ए तो क्या कम्प्लीट हो गया इट कम्प्लीट्स अ कम्युनिकेशन सर्किट देखो वर्ड देखना आप इट कम्प्लीट्स अ कम्युनिकेशन सर्किट ये शब्द होना जरूरी है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं सर्किट नेटवर्क क्योंकि एक ने इसने एक कम्युनिकेशन का साइकिल या कम्युनिकेशन का सर्किट कंप्लीट किया पहला कैसे ए सेंडिंग अ मैसेज टू बी बी सेंडिंग अ फीडबैक टू ए इज इट क्लियर यस ओके इसके बीच में यहाँ पे बहुत सिंपल है कि वन पर्सन सेंड्स द मैसेज एंड अदर पर्सन सेंड्स अ फीडबैक एंड इमीजिएटली आपको क्या करना है डायग्राम ड्रॉ करना है तो दो ही मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो इतने दो तीन पॉइंट्स आप लिखोगे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स अब यहाँ पे बोलना बहुत जरूरी है कि ए और बी जो लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे देर आर द सेम हायरार्किकल लर्न दिस वर्ड दे आर द सेम हायरार्किकल लेवल हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर हायरार्की का मतलब होता है ऑर्डर ठीक है ओके okay. अब देखते चेन चेन नेटवर्क में एक शब्द होना जरूरी है जैसे मैं बोल रही हूं ऊपर के नेटवर्क में सर्किट में ये बोलना जरूरी है कि कम्युनिकेशन सर्किट बनता है ओहो क्या बोलना जरूरी है बेटा कम्युनिकेशन सर्किट बनता है एक सेकेंड एप्पल वॉच इज नॉट वन सेकेंड जीरो परसेंट ठीक ये क्या कंप्लीट करता है कम्युनिकेशन सर्किट यहां ये बोलना जरूरी है वैसे ही इस केस में क्या बोलना जरूरी है मैं आपको बोल रही हूँ चेन नेटवर्क में देर इज अ चेन ऑफ कमांड किस चीज़ का चेन है इट्स अ चेन ऑफ कमांड मतलब बॉस टू जूनियर उसका बॉस उसके जूनियर को तो ऐसा पूरा चेन ऑफ कमांड है तो ये शब्द होना जरूरी है सो दैट्स अ की वर्ड की वर्ड समझते हो आपको कि वो शब्द उस आंसर में होना बहुत जरूरी है ठीक है आपकी बुक्स में मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेन आई वॉज स्टडिंग हमारे टाइम पे थ्योरी के लिए क्लासेस नहीं होते थे लाइक like ऑडिट है या लॉ है वी हैड टू स्टडी ऑन अर ओन वी यूज टू हैव क्लासेस ओनली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दैट टू वी वर टोल्ड कि इतने चैप्टर्स क्लास में होंगे इतने चैप्टर्स ईजी है ये आपको खुद से करने दिस इज हाउ वी हैव डन क्लासेज तो आई रिमेंबर मेरी थ्योरी बुक में ऑडिट की बुक में मार्किंग्स इतनी होती थी कि माई जूनियर्स फिर और कोई फिर और कोई मेरे एग्जाम के बाद दिस बुक्स वेंट ऑन यू नो देवर फॉर्वर्डेड एंड देवर रोटेटिंग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड जूनियर्स या मेरे ऑफिस के आर्टिकल्स होते हैं कि गिव अस यूर बुक क्योंकि वहाँ पे मैंने की इस टाइप का लिखा हुआ इससे जब आप पढ़ते हो तो आपका आंसर राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है समझ में आ रहा है कि आपको थ्योरी को पढ़ाई अलग तरीके से करना पड़ता है और प्रैक्टिकल को टैकल अलग तरीके से करना पड़ता है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कभी देखते नहीं है सॉल्व करते पूरा एकदम डिटेल में नहीं करने का रफ में करने का कैलसी लेके करने का पेंसिल में लेके करने का बिकॉज आई टेल यू मेरा कॉस्टिंग के पेपर के पहले एक अलग टाइप का क्वेश्चन आर में आया था एंड आई एट फोगॉटिन अरे की देखना ही रह गया था मेरा तो मुझे एकदम एग्जाम हॉल के पहले याद आया कि मुझे देखना है अरे आई मिस्ड आउट तो मैंने जस्ट अभी टाइम तो नहीं था सॉल्व करने का मैंने जस्ट ग्लांस कर लिया

आज आंसर का सेंटेंस ऐसा फ्रेम किया अगली बार कुछ और फ्रेम किया यू विल नॉट रिमेंबर सो दैट इज वाई व्हेन आई एम सेइंग कि राइट दिस एंड हैव की वर्ड्स सर्किट नेटवर्क कम्प्लीट कम्युनिकेशन सर्किट सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू रीड इट आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहता है सेम सिमिलर चीज़ है आपने फिर से कीवर्ड आपके सेम होने चाहिए एक बार की वर्ड अलग है थर्ड टाइम आप पढ़ रहे हो तो अलग ही कीवर्ड है टाइम कुछ अलग ही है तो फिर क्या रिविजन हो रहा है नो रिविजन रिपीटेशन होगा तो दिमाग को याद रहेगा ना ठीक है तो थ्योरी पढ़ने का एक तरीका होता है और प्रैक्टिकल करने का अलग तरीका होता है हैंडल इट अब आता है चेन नेटवर्क में समझा क्या इट इज टाइम कंज्यूमिंग ना रे है ना इट्स टाइम कंज्यूमिंग और मैसेज कैन बी डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर कम्युनिकेशन में नॉट बी क्लियर इज दैट क्लियर टू यू यस ओके नाउ व्हील एंड स्पोक व्हील एंड स्पोक में ओहो पूरा पूरा फोकस किस पे है वो मिस्टर ए पे ही शुड बी वेरी वेरी एफिशिएंट अगर ये ए ही एफिशिएंट नहीं है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स हो जाएगा सो देर इज दिस इज गुड फॉर अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन नॉट गुड फॉर अ बिग ऑर्गेनाइजेशन अ लार्ज कॉग्लोमरेट कॉग्लोमरेट इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज लाइक रिलायंस इज अ कांग्ग्लोमरेट वेर इट लुक्स इन वाईफाई ऑल्सो इट इज़ इं टू टेलीकॉम बिजनेस इट इज ऑल्सो इं टू पेट्रो बिजनेस इट इज ऑल्सो इन टू टेक्सटाइल इट इज़ इंटू वेरियस बिजनेसिस दैट इज़ अ काग्लोमरेट समझ में आता है कॉम्बिनेशन मतलब रिलायंस के नीचे बहुत सारे कॉर्पोरेट से अलग अलग बिजनेसिस कर रहे हैं दैट इज़ अ काग्लोमरेट अब uh it is good and efficient uh, of course there is a single controlling authority can you see a is communicating to b b to a a to mere a to b b to a a to c c to a a to d d to a and so on you go on till e hai? e yeah yeah तो उसके बाद है अभी स्टार नेटवर्क वैपन्स इन स्टार नेटवर्क स्टार नेटवर्क में देर आर मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओहो इन स्टार नेटवर्क देर आर मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन समझ में आ रहा है क्या ये सबको अब जो मल्टीपल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे ये स्टार नेटवर्क में है तो बहुत अच्छी बात है टीम वर्क जहाँ पे लगता है एक दूसरे की तो क्या कर रहे है? सेल्फी निकाल रहे हैं खुद की फोटो ले रहे हैं अभी सुबह सुबह एपसेंट है तो मार्किंग नहीं था हाँ, है, नहीं, ले, ले, ले सकता है, है।, okay, so है? है, है so, एंड ये फ्री कम्युनिकेशन है विदाउट एनी हिंड्रेंस हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑप्शिकल तो so, आपने कहीं पे भी जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहां पे हिंड्रेंस इक्वल टू ऑब्स्टिकल लिख के लो तो so, नया शब्द है आपको पता है कि ऑब्स्टिकल रेसिंग होती है स्कूल में मतलब एक वो ऑब्स्टिकल लगाते हैं और उसके ऊपर आपको जंप करना पड़ता है ऑब्स्टिकल हिंड्रेंस सो दैट इज एन ऑब्स्टिकल या हर्डल्स हर्डल्स भी होता है सो so, हिंड्रेंस हर्डल्स ऑब्स्टिकल सबका मीनिंग सेम है ठीक है? है सब क्या है सिनोनिम्स है सब क्या है सिनोनिम्स सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है सेम मीनिंग हमको वो कैब में अननेसेसरी दो ग्रामर के टॉपिक इतने बोर है ना दो ग्रामर के टॉपिक से पता नहीं क्यों तुमको ऐसे बीच में से दो ग्रामर के टॉपिक दिए दे। देना है तो पूरा ग्रामर दे दो तो, नहीं देना है तो कुछ ही मत करो ग्रामर का क्या कनेक्शन है हमको क्यों दो ग्रामर के टॉपिक पता नहीं है अभी है हम करेंगे अब उसमें आपको मैं सिखाने वाली हूँ तभी सिनोनिम सिनोनिम्स का मतलब होता है सेम वर्ड मीनिंग एंड एंटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट सो एंटोनिम्स आर ऑपोजिट सिनोनिम्स आर सेम वर्ड करेक्ट है क्या सिमिलर मीनिंग्स यस तो आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या हो गया ये स्टार नेटवर्क है अब किसी को इस नेटवर्क में डाउट है क्या एनी डाउट यश यादव मैम वॉट इज ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन तूने पढ़ लिया ना जहां से तूने ग्रेपवाइन शब्द पढ़ा ना वहीं पे दो तो सेंटेंस भी दिए उससे समझ में आ जाएगा यश ग्रेपवाइन थ्योरी में कहीं दिया है नॉट रेलिवेंट हमें ग्रेप वॉइट इज जस्ट इनफॉर्मल गॉसिप होता है ना एम्प्लॉइज ऑफिस के बाद रुक के आ, बात कर रहे हैं या लंच टाइम पे या कॉफी ब्रेक में बात कर रहे हैं व्हाट डू वी डू वी जनरली लाइक टू गॉसिप अबाउट वन एंड सो दैट इज ग्रेप वॉइंट कम्युनिकेशन ठीक है हिंड्रेंस का मीनिंग बताया था मैम ने मेरा नेटवर्क चला गया था कितना हिंड्रेंस मीन्स नहीं समझ आया मैम अभी बोला ना हिंड्रेंस मजे ऑब्स्टिकल प्रॉब्लम बैरियर ये यार इसको क्या हो गया जीरो परसेंट चार्जिंग हाँ एग्जाम में डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करना है या पेंसिल से ड्रॉ करना है बेटा हाँ, चलो लिखो हिंड्रेंस का क्या मतलब है ऑब्स्टिकल मराठी या हिंदी में इसको क्या बोलेंगे प्रनाउंस प्रोनाउंस तो नोको नोको दूसरा शब्द संगा अड़सन अड़सन फिर भी बेटर है वो दूसरा शब्द तो मेरे को नहीं जमेगा और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको कठिनाई कठिनाई डिफिकल्टीज होती है नहीं ना कुछ तो करेक्ट परफेक्ट वर्ड नहीं है हिंड्रेंस ऑब्स्टिकल और हमने क्या बोला था पहले इंग्लिश में तीन शब्द बोले थे वो तो बोलो हर्डल हर्डल बैरियर मुश्किले हाँ तो मुश्किल भी हो सकता है ठीक है ठीक है क्या रुकावट रुकावटे ओके बाधा बैरियर समस्या नहीं नॉट समस्या अरे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हील एंड वर्टिकल देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन व्हील एंड वर्टिकल अवगढ़ है व्हील एंड वर्टिकल मैं कॉमन नहीं है व्हील व्हील मे एनी इज टॉकिंग टू वन पर्सन देर इज ओनली वन बॉस एंड ही इज टॉकिंग टू हिस्स जूनियर्स एंड वहां पे इट इज टॉप टू बॉटम ओनली इट इज स्टॉप टू बॉटम यू टू योर बॉटम दैट वे ठीक है हाँ अच्छा एक और बात ये अलग अलग टाइप्स है तुमको ऐसा नहीं कि ऑफिस में फिर हम बात ही नहीं कर सकते आई कैन टॉक ओनली टू दिस ऐसा नहीं होता जनरली फॉर्मल के लिए हम ये यूज करते हैं इसको छोड़ के भी बाकी कम्युनिकेशन होता है क्या हाँ वी आर जस्ट लर्निंग द टाइप इफ अ बॉस राइट्स टू हिज जूनियर जूनियर टू हिज बॉस एंड द चेन इट इज अ कमांड द चेन ऑफ कमांड द चेन नेटवर्क तो ऐसा नहीं है कि इसमें बस स्ट्रिक्ट ऐसा ही बात करने का इसके साथ बात नहीं करने का नहीं बी सी में से पढ़ रहे हैं द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन वी आर स्टार्टिंग कैन वी डू एनी अदर कम्युनिकेशन यस थोड़ा सा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन तो होता ही है समझ में आ रहा है ना आपको यस yes, हर्ष तो आगे जाएंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक अभी कैरेक्टरिस्टिक के लिए आईल ओपन द सेपरेट फाइल जो मैंने आपके प्रेस्टीज पॉइंट के लिए बी की फाइल कॉपी करी है ओके okay. तो ये मेरा मार्किंग अभी हो गया हो गया हो गया ये हो गया ना नॉन वर्बल हो गया ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ओके बेस्ट है चलो हाँ एक कंपनी में एक से ज्यादा नेटवर्क हो सकते हैं एब्सोल्युटली एंड दीज आर द पॉसिबल नेटवर्क्स इसको छोड़ के भी आप कुछ अलग नेटवर्क बना सकते हैं क्या बना सकते हैं आपको अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए यू फॉलो दैट देस नो प्रॉब्लम एब्सलूटली ठीक है क्या विल गो अहेड नाउ बेस्ट है चलो आगे जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन एकदम सीधा बैठना है सबने। फोकस करना है कॉन्सेंट्रेशन करना है टाइम हमारे पास कम है ट्वेंटी फोर आवर्स बढ़ नहीं सकते सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं हमारी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं सो लेट्स बी एफिशिएंट एंड ट्राई एंड फिनिश लर्निंग इन द क्लास इथ सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन आई टेल यू कैरेक्टरिस्टिक्स सी से स्टार्ट हो रहे हैं और लगभग आप देखना कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सी से ही स्टार्ट हो रहे सो ऑलमोस्ट यू हैव सिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर स्टार्टिंग विथ सी कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है फीचर्स कम्युनिकेशन करने के फीचर्स क्या है सो दैट इट इज अ गुड कम्युनिकेशन अच्छा कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन व्हाट एम आई टीचिंग यू व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है फीचर्स व्हाट आर द गुड फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है क्या यस yes. अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला है क्लियर ऑब्वियसली ना बेटा सबसे पहला होना चाहिए कम्युनिकेशन का परपज आप क्यों कम्युनिकेशन कर रहे हो ये क्लियर होना चाहिए नहीं तो क्या होता है आप बोले 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 जा 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 रहे 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 हो 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 और एंड में वो कोई आपको पूछेगा यार तू बोलना क्या चाह रहा है मतलब वॉट आर यू ट्राइंग टू से सो यस तुम कहना क्या चाह रहे हो तो इस टाइप का कम्युनिकेशन अगर होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है सो हियर लेट अस अंडरस्टैंड क्लियर एनी स्पोकन और रिटर्न कम्युनिकेशन शुड स्टेट द पर्पज सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए स्टेट द पर्पज ऑफ द मैसेज क्लियरली यार ये मैसेज आया ही क्यों है बोलना क्या चाह रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं तो यू द पर्पज ऑफ द मैसेज वेरी वेरी क्लियरली यू मस्ट स्टेट द पर्पज ऑफ द मैसेज वेरी क्लियरली सो क्लियर के यहाँ क्या की वर्ड होना चाहिए पर्पज तो क्लियर के वहां पर क्या की वर्ड है पर्पज तो so आपका क्या क्लियर होना चाहिए रीजन पर्पज क्यू कम्युनिकेट कर रहे हो पर्पज है वेरी वेरी क्लियर द लैंग्वेज शुड बी सिंपल सेंटेंसेज ऑट टू बी शॉर्ट प्लीज ये आपके आंसर के लिए भी याद रखना कि आंसर्स जो होते हैं ना सेंटेंसेज होते हैं वो एकदम शॉर्ट यूज करने वो लंबा लंबा सेंटेंसेज एंड एंड ऑल्सो एड करके कभी भी नहीं करने का सो यू मस्ट हैव शॉर्ट सेंटेंसेज भारी वर्ड्स यूज करेंगे तो मार्क्स अच्छे मिलेंगे ऐसा मिस uh, अंडरस्टैंडिंग है आपका बिल्कुल भी मिसकनसेप्शन है एंड विच इज़ नॉट ट्रू ऐसा नहीं होने वाला है ठीक है तो सिंपल होना चाहिए सेंटेंसेस ऑट टू बी शॉर्ट एज द कोर मैसेज जो कोर माने इंपॉर्टेंट मेन मैसेज कोर जो है द मेन मैसेज इज लॉस्ट इन लॉन्ग कॉन्वल्यूटेटेड सेंटेंसेज ईच पॉइंट मस्ट बी एक्सप्लेन इन अ सेपरेट बुलेटेड अभी ये कभी भी याद रखना अगर आपको बहुत लंबा आंसर लिखना है या फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ये कैसे दिया उन्होंने बुलेट्स दिए कि नहीं नंबरिंग दिया है बुलेट्स कैन बी अ सिंबल ऑल्सो सो इफ आई वॉन्ट टू राइट इन पॉइंट्स आई कैन लाइक दीज आर बुलेट्स आई कैन हैव वन टू एनी काइंड ऑफ नंबरिंग दिस इज अ बुलेट डू यू अंडरस्टैंड दिस यस तो कभी भी कुछ लंबा या बड़ा लिखना है जैसे कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटर्स होते तो ईजी जाता है कि नहीं हमें यस सेंटेंसेज लॉन्ग होने चाहिए क्या नहीं शॉर्ट सिंपल माने वो क्लियर होता है तुरंत समझ में आता है हैव यू एवर हर्ड शशि थरू टॉक और यू नो हु इज नो तो आपने गूगल करना चाहिए उसके एक हाथ uh, ट्वीट्स जो होते हैं वो देखने चाहिए या उनका कभी स्पीच होगा तो वो देखना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता है ही यूज इज़ वेरी हाई फाई इंग्लिश वट इज़ द पॉइंट इफ पर्सन हैज टू सिट विद ए डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड वॉट यूर ट्राइंग टू से कम्युनिकेशन का पर्पज ही क्या है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए मुझे थोड़ी आपको दिखाना कि मेरा इंग्लिश कितना भारी है तुमको अगर दिखाना है कि तुम्हारा इंग्लिश बहुत भारी है तो तुम खुद से ही बात करते बैठो हमको तो तुम्हारी बात ही समझ में नहीं आती इफ आई हैव टू सिट विद अ डिक्शनरी टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू टेल मी बॉस देन व्हाट इज द होल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन इफ यू एवर गो एंड सी हिज ट्वीट्स इट इज इंपॉसिबल द काइंड ऑफ वर्ड्स ही यूजेज ही इज अ वेरी गुड इंग्लिश या उसका ओरेटरी बहुत अच्छा है या वोकैबुलरी बहुत अच्छा है बट क्या पॉइंट अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करना है कोर मैसेज माने द मेन मैसेज शुड बी वेरी क्लियर बहुत लंबे लंबे मैसेजेस में जो मेन मुद्दा है आप उससे ही भटक जाते हो तो मुद्दा क्या है यार तुम मुद्दे की बात करो ना बोलना क्या चाह रहे हो तुम समझ में आ गया तो कंस पहले क्लियर में आप क्या क्या की करोगे पहले तो क्या होना पर्पस पर्पस क्लियर होना चाहिए पर्पज क्लियर होना चाहिए लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए सिंपल होनी चाहिए अगर देर आर टू मेनी पॉइंट्स राइटेड इन अ बुलेट फॉर्म्स आप उसको पॉइंटर्स या बुलेट फॉर्म में लिखो कैसा लिखो पॉइंटर्स या बुलेट फॉर्म सेपरेट बुलेटेड पॉइंट्स होने चाहिए मेक इट इजी फॉर द रीडर तो आपको रीडर के लिए इजी रखना चाहिए ग्रेस्प करना मतलब ग्रेस्प का मतलब होता है अंडरस्टैंड मैं एक और चीज़ बताती हूँ आपकी अगर इच्छा है कि मैम मेरी बहुत इंग्लिश एकदम से भारी हो जाए दिस इज नॉट पॉसिबल इम्प्रूविंग योर इंग्लिश और मेकिंग अ गुड वोकैबलरी लाइफ स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस इज़ फॉर यॉल इंप्रूविंग योर इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग न्यू न्यू वर्ड्स ये एक दिन में या एक महीने में पॉसिबल नहीं है इट टेक्स ओवर इयर्स फॉर अस टू इम्प्रूव द इंग्लिश ठीक है एग्जाम में भी नोट करना आपको बहुत सारे पैराग्राफ्स कुछ कॉम्प्रिहेंशन आता है पैसेज आता है और उस पर क्वेश्चन आंसर आता है आपको बहुत सारे शब्द आएंगे जिसका मीनिंग समझ में नहीं आता है बहुत सारे आएंगे ही मैं बोल रही हूँ आज से ही जिसकी बहुत भी अच्छी इंग्लिश हो तो उसको भी फिर भी आएंगे दो तीन किसी को लगेगा कि यार ये दो तीन वर्ड्स है इसकी मीनिंग नहीं समझ में आ रही है आपको लगेगा इसकी दस वर्ड्स है इसकी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है नहीं आने दो भावना को समझो उसकी फ्लो को समझो फ्लो को समझ के तो आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि शायद इसकी मीनिंग क्या होगी हर शब्द की आप मीनिंग पूछ हाँ आप गूगल करके डिक्शनरी से देख सकते हो एग्जाम में क्या करोगे पॉसिबल है क्या नहीं हाँ अभी आपको वोकेब्लरी बढ़ाना है यू कैन डू दैट बट डोंट एवर फगेट वी आर नॉट डूइंग पी एच डी इन इंग्लिश आर मेन कोर मुद्दे को भूलना नहीं अपना मुद्दा सी ए कोर से विच इज रिलेटिंग टू कॉमर्स हैविंग गुड कम्युनिकेशन इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो ऑफिस में दो लोग हैं दो सी ए है एक का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं एक का अच्छा है आई विल ऑलवेज प्रीफर अ सी ए हु अ बेटर प्रेजेंटेशन बेटर कम्युनिकेशन तो ये बहुत जरूरी होता है जरूरी होता है लेकिन ये ऐसा नहीं है कि एक महीने में इम्प्रूव हो जाता है इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एवरी टाइम यू हेयर अ न्यू वर्ड यू शूड नोट इट डाउन फिर ध्यान से उस शब्द को यूज करने का जैसे परसों हमने कहीं किया होगा डेसीफर डेसीफर करना मन जे अंडरस्टैंड सो यू हैव टू से आई डोंट डेसिफर वॉट यू सीइंग और दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू डेसीफर ये पढ़ने के बाद समझना बहुत मुश्किल है फिर जाके आपकी वोकेबुलरी इंप्रूव होती है अचानक ऐसे एक दिन में या थर्टी डेज में आपका ऐसा इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा ऐसा नहीं है इट टेक्स टाइम इट टेक्स टाइम नाउ लाइक हियर यू आस्क मी द कोर मैसेज इज लॉस्ट इन लॉन्ग कॉन्वल्यूटेड सेंटेंसेज मतलब लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स लंबे मैसेजेस सेंटेंसेज नहीं होनी चाहिए डू यू अंडरस्टैंड तो कॉन्विटेड ये शब्द आपने यूज करना है क्या बिल्कुल नहीं यार यू हैव बेटर थिंग्स टू लर्न यू हैव बेटर अकाउंट्स एंड मैथ्स के रूल्स एंड शॉर्टकट्स टू रिमेंबर रादर देन रिमेंबर दिस सो डोंट वेस्ट योर टाइम तुम भारी इसको एक एक वर्ड को ये करते बैठोगे ना और फिर एग्जाम में अगर पास नहीं हो तो क्या फायदा तुम्हारा देर हैज टू बी ए गुड बैलेंस बिटवीन हाउ मच एंड For which subject also understand that. So here what is the uh, point about clear? Clear ke liye kya point hai The purpose should be clear. The language should be simple. Sentences should be short. Too many points are there then prefer writing it in a bulleted point. In bulleted form. हो गया बस हो गया. कितना लिखने का अभी? समझ में आ गया क्या? हाँ. तो आगे जाएंगे अभी next है concise. आई गया गायत्री का कॉन्वल्यूटेड मीन्स वॉट लेट्स ओपन अ डिक्शनरी वी हैव टू फाइंड आउट गूगल करो मीनिंग बताओ क्या सेंटेंस की है ऐसा अपन हर मीनिंग uh, का करते बैठेंगे तो अपन सिर्फ कम्युनिकेशन चैप्टर करते बैठेंगे ठीक है हाँ बट यू कैन गूगल इट कम क्विकली गौरव बोलता है इट टेक्स वन गेम ऑफ थ्रोन्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड करेक्ट तो सिंपल सेंटेंस यूज करो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज मत करो खत्म हो गई बात तुमको पता है क्या अभी मैं दस दिन बाद पूछेगी इस शब्द की मीनिंग क्या है शायद सबको याद नहीं रहेगी जस्ट अंडरस्टैंड एक तो क्या ये लर्न करना जरूरी है उसके बाद लर्न करने के बाद क्या चांसेस है कि कोई आपको मीनिंग पूछने वाला है और पूछेगा तो क्या चांसेस है आपको याद आने वाला है सो द एफर्ट दैट यू गोन्टेको टू टू गो वेस्ट राधा इफ यू स्पेंड दैट एफर्ट इन लर्निंग योर मैथ्स रूल्स द मैथ शॉर्टकट इट एटलीस्ट यू सम रिवॉर्ड समझ में आता है क्या तुम बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे बोल रही है अरे तुमको क्या पढ़ना चाहिए मैंने सी एग्जाम ऐसे ही नहीं क्रैक किया है प्लानिंग करके ही ऐसा बाय फ्लूक नहीं है योर स्टडीज प्रॉपरली स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है पढ़ाई हर कोई करता है क्या पढ़ना चाहिए किस कौन सी चीज पे कितना टाइम देना चाहिए किससे क्या रिजल्ट आएगा वो आपको पता होना चाहिए समझ में आता है क्या आगे जाएंगे कंसाइज कंसाइज का मतलब क्या होता है ब्रीफ हाँ शीर्ष लिख सकते हैं आंसर्स वन पॉइंट में लिख सकते हैं थ्री टू फोर से हाँ यू कैन अगेन दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम फॉरगेट द डेज दट यूर इन स्कूल मैम शुड आई लीव अ लाइन शुड आई राइट लाइक दिस प्लीज़ यू आर फ्री टू राइट द वे यू वॉन्ट इट्स अ नेशनल लेवल एग्जाम ऑल अक्रॉस इंडिया लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम एवरीबडी इज गो हैव अ डिफरेंट प्रेजेंटेशन दिस इज ओके मैंने पॉइंटर्स में लिखा तो चलेगा या अलग अलग पॉइंट है तो मैंने उसको दो तीन पॉइंट्स में स्प्लिट करके लिखा मुझे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है आप लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना हाँ कंसाइज ओ माई गॉड कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ लिखो कंसाइज का मतलब क्या है ब्रीफ टू द पॉइंट कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ आपको लंबे लंबे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं डू यू एवर रीड देम डू यू रीड इट गॉन इज दीपल्ड हाउ मेनी ओवर के टाइम भी क्रिटिसिजम हुआ कि की वॉट इज दिस सिक्सटी ओवर की सिर्फ गेम हो रही है मतलब उसके पहले बहुत ज्यादा था आज आपको ट्वेंटी ट्वेंटी देखने में मजा आता है नोबड़ी हैजेश नहीं देखते Because gone is the time where anybody has time for long or uh, movies also. Nobody enjoys the first thing you'll ask. 3 hours movies? No, no. I'll think then review. Kaise I want to go or no. 2 hours movie? I don't mind going and seeing and coming it. So understand it's the time where.

कंसाइज का मतलब है ब्रीफ सो ब्रेविटी इज द इसेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन नो वन हैज द टाइम टू रीड लॉन्ग ड्रॉन आउट एसेज नो वन हैजाइम टू रीड नो वन हैजाइम इवन टू वॉच दो नहीं देखेंगे सिक्सटी ओवर्स की मैच आज कौन देखेगा फिफ्टी ओवर ऑल्सो अपने को लगता है यार दिस इज टू मच ट्वेंटी ट्वेंटी इज गुड ठीक है कोर कंटेंट इज लॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाता है आप अगर कंसाइज नहीं रहोगे तो क्या हो जाएगा आपका मुद्दा हिल जाएगा आपके मुद्दे से आप कहीं और चले जाओगे सो यस कंटेंट इज लॉस्ट अवॉइड यूजिंग टू मेनी इरेवेंट वर्ड्स और एग्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल यू सी आई मीन टू से एनश्योर देट देर आर नो रिपीटेशन अच्छा हाउ कैन आई बी ब्रीफ इफ देर आर नो रिपीटेशन आप एक ही चीज बार बार बोलते हो तो चलेगा क्या नहीं तो आपको क्या अवॉइड करना है रिपीटेशन आपको तो इतना टाइम भी नहीं आपको किसी ने रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया तो आप प्ले uh, क्या टाइम पे सुनते हो लेक्चर लेक्स इज नॉट गुड एक्स में यू लूज आउट ऑन द नेवर डू दैट बट देखो वो वन वाला भी आपको लगता है यार ये कितना स्लो चल रहा है लेक्चर लगता है कि नहीं किसी को टाइम नहीं है बेटा आजकल एवरीबडी वन इट ब्रीफ शॉर्ट में बोलो समझ में आ रहा है क्या यस yes. सो so, चला ए कंसाइज मन जैसे

हाँ इसीलिए बोल रहे हैं देखो हेंस यूट्यूब और इंस्टा पे अभी शॉर्ट्स और रील्स आ गए और रील्स में भी यू गेट अ आपको उसका इनसाइट जो आता है तो उसमें पता चलता है कि एवरेज वॉच टाइम क्या है तो अगर वो रील भी थर्टी सेकेंड्स का है फिर भी पता है कि मैक्सिमम लोगों का एवरेज वॉच टाइम इज लाइक टेन टू तो सेवेंटीन सेकेंड्स तो इन दैट टेन और फिफ्टीन एबल टू इम्रेसन में आपको किसी को इम्प्रेस करना है कि वो आपकी पूरी रील देख ले सो लुक एट इट कि हाउ मच वी नीड टू बी कंसाइज YouTube के लेक्चर्स तो जानते तो शॉर्ट्स पे आ गए शॉर्ट्स और रील्स में आ गए वॉट इज बिलो अभी आई थिंक रील का टाइम बढ़ गया अभी एक मिनट से ज्यादा हो गया ना 90 है, थीक है, ठीक ठीक है, okay. no YouTube, गिफ्ट फॉर no for qualifying CA बनने के लिए बनने के बाद मुझे गिफ्ट करके मोबाइल फोन दिया गया था सो आई है टाइम वेर दे वो लेक्चर रिकॉर्डिंग नो YouTube लेक्चर uh, छूट गया तो फ्रेंड फ्रेंड को ही बोल रहे कि आई मिस द क्लास यू हैव टू टेल मी वॉट हैपेन्ड तो इस टाइप का ही था सो वी इन हैव एनी सोशल मीडिया एट दैट टाइम सो आई हैव बीन अवे फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर मेनी मेनी इयर्स हैव कम इन टू इट आफ्टर मेनी ईयर्स सो बट स्टिल इट वॉज दैट वॉज ऑल्सो फन दिस इज ऑल्सो फन बट दिस हैज लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑल्सो माई गॉड आपका रील्स देखने में कहाँ टाइम चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलता है है कि नहीं सो इट्स वेरी वेरी एडिक्शन हो जाता है तो आपने थोड़ा सा उस पर टाइम लिमिट लगाना चाहिए स्क्रीन uh, टाइम का होता है ऐप होने चाहिए यू डिसाइड एंड देन वो सब बंद हो जाएंगे आपके ऐप है ना सो यू हैव टू डू दैट अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट एडिक्शन हो ही जाता है बेटा तो आपको ये सब करने के लिए एग्जाम के बाद है ना आप दिन भर देखना सोशल मीडिया कोई कुछ नहीं बोलेगा एग्जाम के बाद रिजल्ट तक यू हैव लॉट ऑफ टाइम सो आपको सोशल मीडिया तभी देखना है तो आप देख लो अभी सिर्फ उसको अभी मत देखो थोड़ा सा उसको रेस्ट्रिक करो ठीक है चलो कंसाइज हो गया क्या कंसाइज का मतलब क्या है ब्रीफ एंड नो रिपीटेशन सो नो वन हैज द टाइम टू रीड लॉन्ग एसेज एंड मैसेजेस एप्सल्यूटली आगे जाएंगे गुड दैट्स वाई डिलीटेड इंस्टाग्राम वेरी गुड ओके कंक्रीट कंक्रीट का मतलब होता है आई टेल यू वन थिंग कंक्रीट बोलना मतलब uh, हवा में नहीं बात करना कि आपने ऐसे किसी ने बोलते बोलते बोल दिया फैक्ट्स होने चाहिए आपने ऐसे ही बोल दिया अरे कल तो ये फलाना क्लास नहीं है अकाउंट्स की क्लास नहीं क्यों तुझे कैसे पता चला मैसेज है एक कोई तो बच्चा डाल देगा शायद टुडे नो अकाउंट्स क्लास देन गॉन इट इज गोइंग टू स्प्रेड एंड आई थिंक टेन और हंड्रेड मैसेजेस विल रीच आनंद सर आस्किंग क्योंकि सर आप आज क्लास नहीं आ रहे हैं अरे दिस इज न्यूज फॉर मी आई एम टेकिंग क्लास तो ये जो होता है कि आपने जो कम्युनिकेशन है कि मुझे लगा ऐसा हुआ इसके बेसिस पे नहीं करना चाहिए और हम लोगों ने तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए चार्टेड अकाउंटेंट्स की हर वैल्यू और हर चीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है सो वट एवर वी स्पीक कम्स विथ लॉर्ड ऑफ वी हैव येस रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज वी कान टॉक वेन आई एम एडवाइजिंग माई क्लाइंट्स आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वट एडवाइस आई एम गिविंग आई एम डीलिंग विद समबड़ी एल्स इज मनी सो दैट्स अ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब तो मैं इनफैक्ट जब अभी नहीं अभी आप छोटे हो अभी तो इंटर में बच्चों को हमेशा क्लास में बोलती हूँ पहले सोचो टॉक टॉक लेस थिंक मोर वॉट यू डू इज आप पहले सवाल पूछते हो और उसके बाद सोचते हो या किसी ने कुछ आपको क्वेश्चन पूछ लिया पहले आप आंसर दे भी दोगे और फिर सोचोगे यार ये सही है क्या नहीं सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग यू हैव टू ऑलवेज

हाँ, अभी किसके पास क्या सोशल है वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे अगेन यू आर यूजिंग सोशल मीडिया एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड नॉट लिसनिंग टू द क्लास देन व्हाट्स द पॉइंट कमान कंक्रीट का मतलब है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स चला लवकर संगा कंक्रीट मन जो बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट

तो चलो पहले तीन मुद्दे क्या हो गए वॉट आर द थ्री कैरेक्टर ए ना यू कैन गेट अ क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स राइट अ नोट ऑन आइदर वो पूछेंगे कॉन्क्रीट एंड कोहेरेंट सो आपको फिर इस पर बात करना पड़ेगा तो पहला मुद्दा क्या है वॉट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्लियर क्लियर के बाद कंसाइज कंसाइज मीन्स शॉर्ट एंड टू द पॉइंट ब्रीफ नो रिपीटेशन कंसाइज के बाद क्या है कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स करेक्ट कोहेरेंट आई नी कोहेरेंट का मतलब क्या होता है वेरी इंपॉर्टेंट कोहेरेंट का मतलब होता है लॉजिकल सीक्वेंस ओके कोहेरेंट का मतलब होता है एक लॉजिकल सीक्वेंस कैन आई कम टू द क्लास टूडे एंड आई से कि ओके okay, चलो आज चार कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेशन के करेंगे चलो अभी चैप्टर थ्री ओपन करो चलो अभी चैप्टर थ्री में से कॉम्प्रीहशन का एक पैसेज पढ़ेंगे अब कल आके मैं चैप्टर एट पे जाऊंगी तुम बोलो मैम क्या चल रहा है जरा सीक्वेंस फॉलो करो कि नहीं तो वैसे ही वेन आई एम टॉकिंग Can I jump from one idea to another? No. There has to be a flow in what I am saying. So always when you write, when you talk, there has to be a लॉजिकल सीक्वेंस एक फ्लो होना चाहिए आपकी बातों में कैन ऐ जम्प फ्रॉम वन आइडिया टू अनादर नो दैट्स नॉट डन हाँ कभी कभी आपको लिखते वक्त थॉट्स आते हैं ऐसे कि ऐसे लिखूँ फिर जो आपके थॉट्स होते हैं वो अलग अलग इसमें है तो कभी आप ऐसे लिख रहे हो आर्टिकल लिख रहे हो तो आपने पहले आपके पॉइंट्स लिख के लेने चाहिए और फिर उसको एक फ्लो या सीक्वेंस डिसाइड करना चाहिए जैसे आपको बोला गया सोशल मीडिया पर लिखो संबड़ी वॉन्ट्स टू राइट अबाउट सोशल मीडिया तो आपको किसी को प्रोज एंड कॉन्स वॉट इज प्रोज एंड कॉन्स एडवांटेजेस एंड डिसेज तो आप ऐसे करोगे एक एडवांटेज फिर बीच में एक डिसएडवांटेज फिर आ रही है तुम बोलना क्या हो ऐसा हो जाएगा तो so आप भी एक फ्लो करोगे कि नहीं सोशल मीडिया फिर उसके एडवांटेजेस क्या है आज बिकॉज ऑफ डिजिटल एंड इंटरनेट लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट सिटिंग एनी वेयर अक्रॉस इंडिया कैन वॉच द लेक्चर है कि नहीं सो एडवांटेजेस है कम्युनिकेशन इज सो इजी इतना इन्फॉर्मेशन है आप आप गूगल करना चाह रहे हो डिक्शनरी इज हैंडिल अवेलेबल आपको कुछ भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हो और तुरंत चेक कर सकते हो सो इसके एडवांटेजेस है फिर इसके डिसएडवांटेजेस है सो हाउ विल यू मेक अ फ्लो फर्स्ट यूल टॉक अबाउट एडवांटेजेस देन यू विल टॉक अबाउट डिस मतलब हमने एक फ्लो बनाया कि नहीं बेटा येस सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कोहेरेंट कोहेरेंस इन राइटिंग देखते हैं यहाँ क्या बोला है कोहेरेंस इन राइटिंग एंड स्पीच रेफर्स टू अ लॉजिकल ब्रिज

कोहेरेंस का मतलब होता है लॉजिकल सीक्वेंस कोहेरेंस का मतलब क्या होता है बेटा लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए आपकी बातों में तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये एडवांटेजेस है हाँ ये क्या है ये डिसएडवांटेजेस है सो दैट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस पढ़ाते वक्त भी टीचर ने कोई सीक्वेंस फॉलो करते कि नहीं हम आते क्या बीच में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे दूसरा कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर से पढ़ाएंगे आप क्या बोलोगे मैम एक कुछ तो सीक्वेंस फॉलो करो आप है कि नहीं सेम ऑल कंटेंट अंडर द टॉपिक शुड बी रेलिवेंट इंटर कनेक्टेड एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ फ्लो तो बेसिकली सारा जो कंटेंट है आपका इंटरकनेक्टेड होना चाहिए अभी बीच में मैं आके तुमको टैक्स की बात नहीं करूँगी ना ऐसे हाँ जनरली अगर हमारा पढ़ के हो गया और आप बोलते हो कि मैम थोड़ा सा टैक्स सेशन के बारे में हमें बताओ तो फिर वो अलग बात है पढ़ाते पढ़ाते ऐसे बीच में एक टैक्स का पॉइंट बोल दिया और फिर बीच में वापस बी से ऐसा नहीं होता है एक फ्लो होना चाहिए एक इंटर कनेक्शन होना चाहिए एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए कोहेरेंस मतलब देर शुड बी अ लॉजिकल सीक्वेंस इट शुड बी ऑर्गेनाइज इन अ प्रॉपर लॉजिकल ब्रिज मतलब कनेक्शन ठीक है आई गो हेड कंप्लीट पढ़ो तुम लोग कंप्लीट तुम पढ़ो डन है क्या क्या पढ़ा कंप्लीट में तुम बोलो मैं की तुम बताना मैं मार्किंग करती हूँ कंप्लीट में क्या होना चाहिए अच्छा सो इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन देन हाँ यू हैव टू कीप इन माइंड द रिसीवर्स इंटेलेक्ट एंड एटीट्यूड द वे आई गिव इंस्ट्रक्शंस टू मैनेजर और वे आईल गिव इंस्ट्रक्शन टू अर सब स्टाफ और टोटली डिफरेंट कि उसको भी समझ में आना चाहिए तो उनकी भी वो हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच के हिसाब से सोचता है है कि नहीं तो अगर कोई अनएजुकेटेड है ऑफिस में कोई उसे नहीं पता तो आप उसको किस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस दोगे वो आपने सोचना चाहिए कि इसको समझ में आना चाहिए है कि नहीं वेन वी टीच नाउ टैक्स इन इंटर यू लर्न इट फॉर द फर्स्ट टाइम सो वी स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स बट इफ आई एम टीचिंग इन फाइनल इट इज टोटली डिफरेंट लेवल हमको इंटर में वील कम डाउन टू स्टूडेंट्स लेवल बट एट फाइनल स्टूडेंट हैज़ टू टू कम अप द टीचर्स लेवल बिकॉज इन फाइनल आप आर्टिकलशिप करके आते हो प्रैक्टिकली सीख के आते हो तो अलग बात होती है इंटरमीडिएट में जब आप आते हो आपने कोई प्रैक्टिकल एक्सपोजर नॉलेज आपको नहीं होता है ठीक है ना येस yes. तो कंप्लीट में आप क्या बोल रहे हो कन्वे ऑल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन तो मैसेज आपका कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं अगर दोस्त बोलता है यार चल मूवी चलते कितने अब ये मैसेजेस करने पड़ेंगे कौन सी मूवी फिर वो एक टाइप करेगा व्हाट टाइम विथ शो दिस डे अरे यू टाइप एंड वन मैसेज ऑल यू सेंड आई एम दो मूवीज का ऑप्शन है और ये टाइमिंग है वीकेंड चलना है या वीकडे चलना है ऐसे एक ही बार मैसेज भेजो तुरंत डिसीजन आ जाता है नहीं तो वो ही खेलते रहेंगे एक मैसेज ये डालेगा एक वो डालेगा ये क्या चल क्या रहे सो कम्युनिकेशन क्विक एंड फास्ट होना चाहिए जहाँ पे सारे मुद्दे एक ही बार में आपने बता देना चाहिए मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दो ठीक है आगे क्या बोलोगे

हमेशा आपकी बात कैसी होनी चाहिए रिस्पेक्टफुली बात करो आपसे कम छोटे लोगों से बात करो बड़ों से बात करो रिस्पेक्ट एक होना ही चाहिए पोलाइटनेस uh, हमेशा होना ही चाहिए आप भले ही कंप्लेन लेटर भी कर रहे हो या आप में बहुत अभी आजकल केस में होती है कि आपने कुछ ऑर्डर कर लिया कुछ मंगा लिया स्विगी से मंगाया ऑर्डर रॉन्ग आ गई द वे यू स्टार्ट शाउटिंग डोंट डू दैट एवरीबडी हैज़ अ स्ट्रगल इन लाइफ एंड एवरीबडी ही इज ट्राइंग टू डू टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी सो प्लीज अंडरस्टैंड दट द व व व वे यू टॉक हैज़ टू बी वेरी इवन इफ योर कंप्लेनिंग ईवन इफ योर कम्प्लेनिंग मतलब वो आप याद रखो कि आप किसी से झगड़ा कर रहे हो आप कंप्लेन कर रहे हो कंप्लेन कर रहे हो मतलब ये मत समझना आपने किसी चीज के लिए पैसे दे दिए मतलब यू हैव ओन दैट कंपनी यू डोंट डू दैट सो ऑलवेज बी हम्बल एंड द वे यू टॉक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट तो कंप्लेन अगर आप किसी चीज़ की कर रहे हो तो देखना कि आपकी जो भाषा है वो बहुत ही पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होनी ही चाहिए हम um, आगे एक लेटर राइटिंग में कंप्लेंट लेटर लिखने वाले हैं कंप्लेंट लेटर कैसे लिखते हैं तो कंप्लेंट लेटर में सबसे पहला है कि बहुत ज़्यादा पोलाइट uh, और रिस्पेक्टफुली आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए ठीक है सो इट इम्प्लाइज दैट सेंडर इज पोलाइट कंसिडर रिस्पेक्टफुल ओपन एंड ऑनेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीइंग ऑनेस्ट ओके सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है बीइंग ऑनेस्ट दैट्स रियली इंपॉर्टेंट इट रियली हेल्प्स द सेंडर ऑफ द मैसेज टेक्स इन टू कंसिडरेन द व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग ऑफ द रिसीव ऑफ द मैसेज मेक श्योर नथिंग ऑफेंसिव और विथ हिड इन नेगेटिव टोन इज इंक्लूडेड हाँ मतलब मैं सार्केस्टिकली बात कर रही हूँ डोंट डू दैट बी वेरी स्ट्रेट एंड टेक एवरीथिंग ऑन मैम इसने ऐसा बोला ऐसा बोला तो उसने जो बोला उसी का आप मीनिंग समझो नहीं शायद उसका मीनिंग ऐसा होगा ये ये बोलना चाह रही थी डोंट डू देट लाइफ इज टू शॉर्ट टू फाइट आई सी आई ने क्या कम सिलेबस दिया है कि अपने को ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन चाहिए अक एक अकेला आई सी आई के साथ हम लड़ रहे हैं वो इनफ है ना ये क्यों चाहिए आपस में अपने को मिसकम्युनिकेशन नेवर डू दैट सो ऑलवेज हैव वेरी कर्टियस मैसेज रिस्पेक्टफुल एंड नो नेगेटिव टोन शुड बी एवर देयर समझ में आ गया यस yes. आगे जाएंगे लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंड नाउ सी खत्म हो गया कितने सीज थे यहाँ पे सिक्स सो ट्राई टू रिमेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज सिक्स सीज सो वॉट आर दीज सिक्स सीज यू कैन ट्राई एंड रिमेंबर इट इन एनी फॉर्म एनी सीक्वेंस दैट इज ओके मैसेज शुड बी क्लियर इट हैज़ टू बी कंसाइज इट हैज़ टू बी कॉन्क्रीट मतलब बेस्ड ऑन फैक्ट्स इट हैज़ टू बी कोहेरेंट विद अ ल लॉजिकल सिक्वेंस मैसेज कंप्लीट होना चाहिए सारे फैक्ट्स मैंशन होने चाहिए फॉर द रिसीवर टू टेक अ डिसीजन एंड कर्टियस होना चाहिए तो आदि सिक्स इज वेरी क्लियर येस आगे होना चाहिए ये एनीबडीज हैविंग अ डाउट बेटा

पण बी सी आर डॅश कम्युनिकेशन असं येत आहे का चॅप्टरचं नेम पण येऊ हो देत ओके सो लॉ लॉके सेक्शन मे बॅकअप अपलोड हो रहा है सेक्शन इज नॉट सेपरेट तो उसी सेक्शन मे विल बी बीसीआर असं स्टार्ट करणार का तुम्ही आणि चॅप्टरचं नाव पण द्या ना मी तुम्हाला हाँ चैप्टर से ना ओपन दिया तो मैं क्या करूँगी आपको बी और इवन चैप्टर का नाम आई विल कम्युनिकेट सो दैट आपको कौन से चैप्टर का बैक back, बैकअप uh, है वो समझ में आ जाएगा डे वन से लेके अब तक तो क्या ही चल रहा है अपना कम्युनिकेशन ही है तो उसके बाद जैसे ही चेंज होते रहता है तो मैं तुम्हारा संगीन तुम्हें तेन नावानी टाइटल दिया हाँ चल सो so, बैकअप का आई थिंक मुझे किसी ने मैसेज भेजा था स्टूडेंट्स ने तो मैंने आपको क्लियर कर दिया वो भी ओके okay. अब देखो लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश के सेक्शन में है मैम बैकअप इंग्लिश का सेक्शन मधे अच्छा लाइव के लिए इंग्लिश के सेक्शन में है एंड फेस टू फेस के लिए लॉ के सेक्शन में सो दैट ऑल्सो हैज टू बी वेरी क्लियर दैट इज वॉट ही टोल्ड मी लॉ में नहीं है बीसीआर हाँ हाँ बेटा समझा फेस टू फेस के लिए फेस टू फेस स्टूडेंट्स आपके लिए लॉ सेक्शन में अपलोड हो रहा है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए बैकअप इज गेटिंग अपलोडेड अंडर द इंग्लिश सेक्शन चलेगा क्या हाँ यस yes. आपके लिए अलग है यहाँ अलग है ओके okay. चलो लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग वी आर बॉम्बार्डेड विथ नॉइज साउंड इन ऑल आर वेकिंग आर्स वी हर्व कॉन्वर्जेशन न्यूज गॉसिप एंड अदर फॉर्म ऑफ स्पीच हाव एवर मोस्ट ऑफ इट इज नॉट लिसन टू केयरफुली एंड एफ ऑर नॉट अंडरस्टूड आप जब सुनते हो अ गुड लिसनर ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है देखना अ गुड लिसनर नॉट ओनली लिसन्स टू स्पोकन वर्ड बट ऑब्जर्स ऑब्जर्व केयरफुली द नॉन वर्बल क्यूज क्यूज का मतलब होता है हिंट क्यूज का मतलब होता है हिंट कौन से हिंट मिल रहे हैं आपको नॉन वर्बल क्यूज ना इफ यू वॉन्ट ए न्यू फोन एंड यू डिसाइडेड टू आस्क योर फादर बट द डे ही कम्स दैट डे फ्रॉम ऑफिस ऑफ वर्क ही इज ऑलरेडी वेरी अपसेट ये आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है तो आपको हिंट मिल जाता है आज नए फोन की बात नहीं करनी है सो so, आपको ये हिंट लेना बहुत जरूरी है जब भी आप किसी व्यक्ति की बात सुनते हो यू डोंट हैव टू जस्ट लिसन टू द स्पोकन वर्ड्स यू मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व द बल हिंट्स क्यूज क्यूज का मतलब है हिंट क्लूज होता है ना क्लूज वैसे ही क्यूज क्यूज का मतलब होता है हिंट समझ में आ गया यस सो लिसनर शुड लिसन टू वॉट यहाँ के की वर्ड यहाँ क्या है हम लिख सकते हैं यहां पे लिसनर शुड शुड लिसन क्या लिसन करना चाहिए शुड लिसन टू स्पोकन वर्ड्स प्लस ऑब्जर्व प्लस ऑब्जर्व नॉन वर्बल हिंट्स क्या ऑब्जर्व करना चाहिए उसने नॉन वर्बल हिंट्स भी ऑब्जर्व करना चाहिए डन hmm. है क्या देखा द लिस्नर हैज नो हैज टू बी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकल एंड इन कंट्रोल ऑफ इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू डोंट लाइक समवन तो उसने कुछ भी बोल दिया तो भी आप उसके ओपिनियन uh, को ओपन माइंड से नहीं लेते हो है ना तो ऐसा नहीं होना चाहिए यू शुड ऑलवेज भी ऑब्जेक्टिव एंड ओपन माइंडेड यू शुड ऑलवेज भी ओपन माइंडेड है ना आपके स्कूल में ऐसा होता होगा कि टीचर्स वहाँ पे बहुत साल भर आपके साथ रहती है तो किसी टीचर का एक स्टूडेंट ऐसा ही फेवरेट बन जाता है और कोई मे बी वन टीचर जस्ट डजेंट लाइक यू फॉर वट एवर रीजन देर इज नथिंग बट दैट थिंग हैज़ नॉट हैपन ऐसा होता है कि नहीं हाँ सो so ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टीचर है या कोई भी जो व्यक्ति कम्युनिकेट कर रहा है यू शुड ऑलवेज हैव यू शुड बी ओपन एंड यू शुड बी ऑब्जेक्टिव दैट मीन्स यू शुड बी रेडी टू लिसन टू इट वेरी विद अ ओपन माइंड ठीक है अनबायस्ड बोलते हो उसको क्या बोलते कभी कभी अनबायस्ड वो आगे आएगा इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही उस पर और एक पॉइंट नीचे है सो लिसनर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिसनर इज कलर्ड बाई इज ओन इमोशंस जजमेंट एंड ओपिनियंस तो ऐसा बोलते हैं ना जैसे आप अगर येलो कलर का चश्मा पहन रहे हो तो आपको पूरी दुनिया येलो ही दिखेगी तो वैसा होता है जैसे आपकी सोच होती है फिर आप पे भी आपको भी वही समझ में आता है ठीक है ना तो आपने हमेशा ओपन माइंड से सुनना चाहिए सो लिसनर शुड लिसन टू स्पोकन वर्ड्स ऑब्जर्व नॉन वर्बल हिंट्स एंड द लिसनर शुड बी प्रैक्टिकल एंड ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है ओपन सो लिसनर क्या होना चाहिए लिसनर शुड बी ओपन माइंडेड एंड प्रैक्टिकल ओपन माइंडेड एंड प्रैक्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशन ऑल्सो उसपे भी आगे मुद्दा है मैं बताती हूँ डन है चलो पहले सी बता दो मुझे कितने सीज है यहाँ पे सिक्स अच्छा कोई भी सिक्वेंस में बोल सकते हो मैसेज कैसा होना चाहिए क्लियर फिर कंसाइज होना चाहिए फिर कोहेरेंट होना चाहिए कॉन्क्रीट होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए और कोटियस होना चाहिए एंड लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब आप कम्युनिकेशन में सिर्फ बात करना नहीं होता है कम्युनिकेशन में लिसनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है अब देखो एट और नाइन एट और नाइन में होता है फोकस एंड अटेंशन एवरीडे वर्क एनवायरमेंट नाउ ओवर हियर ऑल्सो मे बी आपको ध्यान देना है आपको सुनना है बट आपका दोस्त आपको लेक्चर के बीच में जैसे वो पीछे लास्ट बेंच में

आपके दिमाग में क्या होता है सबको पूरी बात नहीं पूछती है लॉस इन ट्रांजिट हो जाता है ठीक है क्या यस बिकॉज यू आर नॉट पेइंग फुल फोकस एंड अटेंशन मे बी यू वॉन्ट टू बट आपने मोबाइल बाजू में रखा है तुरंत एक नोटिफिकेशन आ गया आपने स्मार्ट वॉच पहना है उस उसपे कुछ नोटिफिकेशन आ जाता है दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस आप घर पे पढ़ रहे हो और कुछ फेस्टिवल चल रहे हैं घर पे रिलेटिव्स आए आपने रूम बंद कर लिया फिर भी आवाज तो आ ही रही है तो आपका ध्यान तो उधर जा ही रहा है तो आपका फोकस और अटेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर अ गुड कम्युनिकेशन सो द रिंगिंग ऑफ अ फोन इनकमिंग ईमेल नंबर ऑफ टास्क एन्जाइटी रिलेटेड वर्क इमोशनल डिस्ट्रेस ऑल दिस कैन डिस्ट्रैक्ट यू तो इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन एंड फोकस तो क्या होगा आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे डिस्ट्रैक्शंस कैन बी द नॉइस आउटसाइड नॉइज ई मेल फोन बज रहा है दोस्त बात कर रहा है तो so इस टाइप का जो कम्युनिकेशन इससे क्या होता है देर इज अ लिटल बिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन में फिर कम्युनिकेशन पूरा आपको समझा क्या नहीं मेरे बोले हुए शायद कुछ शब्द या कुछ पॉइंट्स आपने मिस कर लिए ठीक है ना यू में ओवर लुक ओवर लुक करना मतलब छूट जाना आपसे मिस आउट होना ओवर लुक होना मतलब मिस आउट यू मे ओवर लुक मीन्स यू मे मिस आउट ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्यूज इन द इंटरेक्शन तो कभी कभी आप बोलते हो कि नहीं आखिरी में जब कुछ तो बात हो रही कल छुट्टी है परसों लेक्चर होगा फिर रिकॉर्डेड देंगे ऐसे जो टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे बट आपका लेक्चर खत्म हो गया तो आपका ध्यान नहीं है फिर आप दोस्त को बोलते हो अ सर ने क्या बोला रहे? क्या था सर ने क्या बोला लेक्चर के बारे में होता है कि नहीं ऐसा बिकॉज यू आर नॉट पेइंग फोकस एंड अटेंशन ठीक है फोकस एंड अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपरेटिव मतलब ये चाहिए ही फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो फोकस एंड अटेंशन इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा एंटायर मैसेज इज नॉट रीचिंग यू एंटायर मैसेज इज नॉट रीचिंग यू ऑफिस में भी आप बैठे हो तो आपके डेस्कटॉप आपका वहां पे लैंडलाइन है इंटरकॉम होता है तो एट सेम टाइम आपका यहाँ पे किसी क्लाइंट से बात हो रहा है यहाँ फोन बज रहा है कोई आके आपके डेस्क पे पूछता है अरे वो मुझे एक स्टेपलर चाहिए तो एट अ टाइम फिर क्या हो रहा है आपका फोकस इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल नन ऑफ द कम्युनिकेशन आज अगर आपका घर पे झगड़ा हो गया मम्मी ने डांट दिया तो आज आपका पहला टाइम लेक्चर में आपका ध्यान नहीं लगता है या आपके बहन या भाई या दोस्त से झगड़ा करके इधर आ गए या आपका गर्लफ्रेंड और आए, कुछ ब्रेकअप हो गया या कुछ झगड़ा हो गया या समथिंग लाइक दैट दैट इज वाई यू डोंट गेट इन दिस डोन्ट गेट इन ये इमोशनली दिस विल कंप्लीटली टेक अ टोल ऑन यू इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देन बियॉन्ड दैट उसके आगे आपको कुछ और नहीं दिखता ना तो मैथ्स दिखेगा ना लॉ दिखेगा ना अकाउंट्स दिखेगा एंड दैट्स रियली डेंजरस सो यू शुड इंट देस द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग एंड दिस इज नॉट द टाइम फॉर सच थिंग्स बिकॉज इफ यू आर इमोशनली डिस्टर्ब इट इज इम्पॉसिबल जय टू स्टडी इट्स इम्पॉसिबल टू टेक डिसिजन्स जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपके यहाँ कुछ भी आपको सुनाई नहीं देते और कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है सो व्हेन यू आर वेरी सैड या घर पे कुछ इशू हो जाता है दे इज डेथ ऑफ अ वेरी क्लोज पर्सन और समथिंग लाइक दैट वेन यू आर इमोशनली डिस्टर्ब तभी आपका लेक्चर में ध्यान और मन नहीं लगता है

प्ले अ मेजर रोल इन आई इंटरक्शन विद अदर पीपल दे आर अ पावरफुल फोर्स वी मस्ट ट्राई हमने ट्राई करना चाहिए कि हमारी जो भी बातें हो वो अनबायस्ड हो इमोशंस अंडर माइन अ पर्सन कपेसिटी फॉर रैशनल थिंकिंग जब आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो आप रैशनल मतलब लॉजिकल डिसीजन ले ही नहीं पाते हो यू कैनॉट टेक अ रैशनल मतलब रैशनल का मतलब होता है करेक्ट दिमाग से नहीं सोचते हुँ. फिर आप कहाँ से सोचते हो दिल से सोचते हो तो शायद आप रैशनल डिसीजन रैशनल का मतलब होता है लॉजिकली करेक्ट यू आर नॉट एबल टू टेक रैशनल डिसीजन मतलब लॉजिकल डिसीजन आप करेक्टली नहीं ले सकते कॉन्सिक्वेंटली इमोशनल अवेयरनेस इज नेसेसरी एलिमेंट ऑफ गुड कम्युनिकेशन वाइल इंटरैक्टिंग विद अदर पर्सन इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इमोशंस यू और शी आर ब्रिंगिंग टू द डिस्कशन मैनेजिंग योर ओन तो आपको खुद के इमोशंस भी मैनेज करने हैं आप भी कभी कभी ऐसा नहीं है हर रोज एवरीबडी इज डिस्टर्ब बट एक हाथ दिन ऐसा होता है कि आपकी अन और आप लोग क्या करते हैं तुरंत छोटी बात से अपसेट हो जाते हैं यहाँ आने के लिए किसी की आज बस अगर छूट गए तो इसे यार क्या दिन है बस भी छूट गए डोंट डू दैट डोंट स्पॉइल योर डे ओवर दीज स्मॉल थिंग्स ठीक है ना तो हम कैसे रिएक्ट करते उस पर होता है छोटी सी बात से तुरंत अपसेट नहीं होने का स्मॉल थिंग्स शूडेंट डिसाइड कि आपका दिन आज अच्छा जाने वाला है या बुरा जाने वाला है सो वेरी इंपॉर्टेंट खुद के इमोशंस पे कंट्रोल गरों करो एंड ज योर इमोशन स्मूथ इंटरेक्शन होगा इसके पहले ओल्ड मॉड्यूल था ना ये कितनाट कर दिया देन डिसाइड इड कि अभी जेंडर के बेसिस पे हमने नहीं देना चाहिए तो बट इट वॉज अ वेरी फनी थिंग सो आई जस्ट डिस्कस विथ यू अभी न्यू मॉडल में नहीं है बट ओल्ड मॉडल में है तो मेरे ओल्ड नोट्स में भी था सो दे वर लाइक गर्ल्स हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन सो विट देर समयसो सो वेट सो इट वॉज द जेंडर बायस सो इट द गर्ल्स हैव अ हैबिट ऑफ सेंग बहुत डिटेल में बोलता है बहुत डिटेल में आपको सब बोलेंगे तो इन दैट समटाइम्स इट दैट द कोर मैसेज गेट्स लॉस्ट एंड बॉयज टॉक लेस एंड डू नॉट गिव टू मच ऑफ डिटेल सो कहीं वो लोग भी इसकी वजह से इम्पॉर्टेंट डिटेल मिस आउट कर देते हैं सो बॉयज डोंट हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच बट एज गर्ल्स इफ यू डेंट गो फॉर अ पार्टी डे वज अ पार्टी यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अरे हुए कम हु हुट वोन वॉर्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ बॉयज आर नॉट इवन बॉर्ड सो इट्स अ डिफरेंस इन द जेंडर विच टू अ सम एक्सटेंट इट इज ट्रू बट मॉड्यूल ने इसको डिलीट कर दिया बिकॉज जेंडर बायस्ड आंसर देना ये सही नहीं लगा और उन्होंने इसलिए इस पॉइंट को नाइन्थ वाले पॉइंट को डिलीट कर दिया तो so, अभी न्यू मॉड्यूल में ये नहीं है बट ये पहले हुआ करता ठीक हाँ, है तो आज मैंने आपको क्या पढ़ा दिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स yeah. तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए क्या आपको यस yes. yes. तो कल मैं क्या पढ़ाऊंगी बैरियर्स तो आई थिंक कल मैं बैरियर्स और कुछ केस स्टडी है तो बैरियर्स पढ़ाने के बाद कल मेरा कम्युनिकेशन का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा एंड परसों से आई विल स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक आगे के जो नए टॉपिक्स हैं कुछ कुछ दो या तीन लेक्चर्स में ऐसे ही खत्म होने वाले तो अगर आपने ऐसे लेक्चर मिस कर दिया तो एक हाथ आपका ऐसा हो जाएगा कि वो चैप्टर ही मिस हो गया इट्स नॉट लाइक कम्युनिकेशन की चलते ही जा रहा है ऐसा नहीं है छोटे छोटे टॉपिक से है ओके ऑल डन सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स हैव अ वंडरफुल डे अहेड लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स बाय बाय आई सी यू टुमारो एट नाइन ओ क्लॉक ओके बाय गो एंड ईट समथिंग इफ यू स्टिल हैव टाइम ओके यस